हाय व्यूअर्स, वेलकम टू एलाज मैजिक पैन गोलगप्पा रेसिपी। ये तो आपने भर के खाया होगा, लेकिन आज वाली जो रेसिपी है ये बिल्कुल यूनिक है और मेरा प्रॉमिस है आपने कभी नहीं खाया। और आज क्यों इस वीडियो बनाने का मूड बना, क्योंकि एक बहुत प्यारी सी जगह में हम रह रहे हैं। ये केरला के एक छोटा सा बीच है जिसका नाम है मरारीकुलम। क्या आप विजिट किए हैं? अगर किए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, नहीं किए हैं तो इसका डिटेल्स मैं आगे शेयर करूंगी। चलिए एक नज़ारा तो देख लीजिए गेस्ट हाउस का। Beautifully maintained and manicured green garden with hand-woven baskets, hand-painted beer bottles, and of course my favorite orchids hanging from that tree. It's a beautiful, beautiful Nadia family guest house at Mararikulam Beach. And that is Ella. किचन में बैठे बैठे मुझे खाना पकाते हुए देखती थी। आज की रेसिपी ज़रूर वो बहुत इंजॉय करती। क्रिस्पी कुरकुरा सा गोलगप्पे विथ चीजी फिलिंग इन इट। आप बताना आपको कैसा लगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज बिना ऑयल के, बिकॉज दिस इज मेड इन द माइक्रोवेव। चलिए फटाफट बना लेते हैं आज का कुरकुरा क्रिस्पी सा गोलगप्पा रेसिपी। शुरुआत करते हैं सॉस से। व्हाइट सॉस बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा बटर डाल दिया मैंने, कुछ चॉप्ड गार्लिक डाला। अच्छे से इसको सौते करेंगे वो गोल्डन ब्राउन होने तक, और खुशबू अच्छी आनी चाहिए गार्लिक की, है ना। और उसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा। मैदा को भी फ्राई करेंगे इस बटर में अंटिल इट इज़ अ लिटिल डन। कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसको अच्छे से कुक करेंगे और उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि अगर बटर में और मैदा में कुछ लंप पड़ जाए तो वो अच्छे से मिल जाए। सो इट शुड बी लंप फ्री। और पानी से वो पिघलाने के बाद डालेंगे आधा कप दूध। ये आप अपने हिसाब से डालिए, क्या कितना क्वांटिटी आपको वाइट सॉस चाहिए, यू विल बी द बेस्ट जज टू अंडरस्टैंड, राइट। तो वाइट सॉस के लिए सिर्फ बटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, गार्लिक क्लोव्स चाहिए एंड ऑफ कोर्स मैदा चाहिए। और जब देखिए सॉस कुक हो गया है, इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक हम अच्छे से कुक करेंगे। लेट इट कुक टिल द सॉस थिकन्स। और इसमें क्या डालेंगे बाद में बताते हैं। बीच में क्या करते हैं, ये देखिए गोलगप्पे ऐसे रेडीमेड मिल जाते हैं आपको किसी भी किराने की दुकान पे। इसको आप माइक्रोवेव में या तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हो। जस्ट 1 मिनट इन द माइक्रोवेव और देखिए कैसे गोल गोल वो घूम रहे हैं और फूल रहे ऑलरेडी। तो इसको जब निकालेंगे आप देखोगे गोल गोल कुरकुरा सा गोलगप्पे वाली साड़ी माइक्रोवेव में बन गए बिना तेल के। और ये खोल रही हूँ मैं माइक्रोवेव, ये देखिए बनी है ना क्रिस्पी सी। अब ये जो मैंने चॉप्ड कैप्सिकम टमाटो और क्यूकम्बर रखा था, इसको मैंने वाइट सॉस में मिला लेनी है। ये मैंने पकाया नहीं, जब वाइट सॉस थोड़ी सी ठंडी हो गई उसमें मैंने ये सारे सैलड आइटम्स डाल दिए। आप चॉप्ड कलर्ड बेल पेपर्स डाल सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड टू द वाइट सॉस। अब बीच में से गोलगप्पा को तोड़ेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ये वाइट सॉस वाली स्टफिंग डालेंगे। ये देखिए गोलगप्पे को तोड़ लेते हैं, बीच से स्टफिंग डाल देते हैं। नॉर्मली आप कौन सा स्टफिंग अच्छा लगता है आपको गोलगप्पे में? वैसे कर्नाटका में ना मटर डाला जाता है, गरम गरम मटर डाला जाता है। बंगाल में जो है आलू और ऑफ कोर्स ब्लैक ग्राम चना डाला जाता है। और ये देखिए सारे ऐसे मैंने स्टफिंग को डाल दिया गोलगप्पे के अंदर, और ऊपर से ढेर सारा चीज़ मैं ग्रेट करूँगी। ये देखिए मोज़रेला चीज़ मैंने मंगवाया है और इसको पूरे गोलगप्पे के ऊपर मुझे अच्छे से ग्रेट करके फैला देना है। पूरे सारे गोलगप्पे कवर होना चाहिए चीज़ में। और फिर ये प्लेट मैंने माइक्रोवेव में डालना है फॉर 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स एज पर योर चॉइस अनटिल द चीज़ मेल्ट्स। और ये मेल्ट हो गई हैं, ग्रिफिन इज़ गोइंग क्रेजी ओवर द स्मेल ऑफ चीज़। दोनों को चीज़ बहुत पसंद है। ये बन गया मेरी चीज़ी
टेस्टी हेल्दी बिना ऑयल के गोलगप्पे रेसिपी। ट्राई किया है आपने कभी? नहीं किया तो फटाफट बना लीजिए, कुछ ही सेकंड्स की बात है, इट विल टेस्ट यमी। चलिए आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा रेसिपी? क्विक इजी सिंपल। एक माइक्रोवेव होने से ये टेस्टी वाली स्नैक आप कभी भी खा सकते हो। क्रिस्पी चीजी डिलिशियस गोलगप्पा आप सबके लिए। ऑन दैट नोट, बिफोर यू गो, रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक्स फॉर स्टैंडिंग टॉल विद अस। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम एलाज नानी। हैप्पी कुकिंग डार्लिंग्स। बाय फॉर टुडे। Oh, oh, oh.